हेलो डियर लर्नर, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। तो हम लोग पढ़ रहे थे किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया में हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के बॉडी ऑर्गेनाइज डिफरेंट टाइप की उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो उसका कैसा क्लासिफिकेशन है, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन में हैबिटेट के आधार पर कैसे एनिमल्स को डिवाइड किया गया है वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनके बॉडी लेवल और ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कैसे एनिमल्स को डिवाइड किया गया। ओके, इसके बाद हम प्लान पे आएंगे, बॉडी प्लान पे, दिन सिमिट। ओके, तो इसलिए हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि ये सॉलिटरी होते हैं कुछ एनिमल, कुछ गिगेरियस होते हैं, कुछ कॉलोनियल होते हैं। ओके, और ये जनरल करेक्टरिस्टिक भी कंप्लीट कर चुका है हम लोगों ने। हैबिटेट के बेस पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है क्लासिफिकेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस पे आज हम लोग कवर करेंगे, कल हम लोग बॉडी प्लान के आधार पर, फिर सिमेट्री, और फिर नेचर ऑफ सीलोम, फिर जर्म लेयर, फिर टेम्परेचर। ओके, देन हम लोग फाइला पे आएंगे। तो हम लोग ये कवर कर चुके हैं कि एक्वाटिक होते हैं और मैराइन होते हैं और फ्रेश वाटर होते हैं। ये फ्रेश वाटर जो फिशेस थी मैंने उसके बारे में बताया, जो मैराइन वाटर फिशेस थे उसके बारे में भी डिटेल में बताया। टेरेस्ट्रियल एनिमल के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़े कि टेरेस्ट्रियल एनिमल कौन होते हैं कौन नहीं होते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ए किंगडम एनिमल इज डिवाइडेड इनटू फोर कैटेगरी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पर जो एनिमेलिया किंगडम है वो चार कैटेगरीज में डिवाइड है। पहला है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जिसे कहते हैं सेल सेल लेवल को। ओके, सेल आप लोग जानते होंगे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। ओके, टिश्यू लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, फिर ऑर्गन लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले सेल, सेल से आया टिश्यू, सेल से आया टिश्यू, टिश्यू से आया ऑर्गन, ऑर्गन से आया ऑर्गन सिस्टम। ये ऐसे जो है, ऐसे हम लोगों की उत्पत्ति स्टार्ट हुई थी। ऐसे सबसे पहले सेल की उत्पत्ति हुई, फिर टिश्यू लेवल के एनिमल्स की उत्पत्ति हुई, फिर ऑर्गन लेवल के एनिमल्स, फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे और वर्क करना स्टार्ट हो गई बॉडी। ऐसे एनिमल्स की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले देख लेते हैं सेलुलर लेवल के एनिमल्स कौन कौन थे। एनिमल्स बॉडीज, इसमें सेलुलर लेवल में क्या था, एनिमल्स बॉडी कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसमें क्या थी, बॉडी किससे कंपोज्ड थी, सेल से, जो कि क्या थी, लूजली एग्रीगेट थी और डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती थी। ओके, डिफरेंट टाइप के फंक्शन से मतलब है कि जैसे कोऑर्डिनेशन, इसमें कोई भी कोऑर्डिनेशन, लेकिन ये शो नहीं करती थी कि एक दूसरे में कोई कोऑर्डिनेशन शो करे, बट ये अपना जो सेल था वो बहुत सेल ही बहुत सारे फंक्शन, एक्सक्रीशन हुआ, ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोसिस, ये सारी क्रियाएं एक सेल ही परफॉर्म करती है। जैसे स्पंजेज में होता है ऑस्टिया ऑस्कुलम, जो सेल होती है वो परफॉर्म पानी को अंदर लेती है, पानी को बाहर देती है, इस तरीके की फंक्शन को परफॉर्म करती है। ओके, तो ये सेल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, पोरीफेरा में, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। स्पंजेज में डिफरेंट टाइप के स्पंजेज मैंने दिया है, प्रीवियस स्लाइड में मैंने स्पंजेस के बारे में बताया था कि ट्यूब स्पंज कैसे होते हैं, ब्रेड क्रम्ब स्क्रम्ब स्पंजेस कैसे होते हैं, बाफ स्पंज किसे कहते हैं, यू स्पंजिया को, वेनस फ्लावर यूकलेक्टला को कहते हैं। ओके, सेकंड आ जाते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, एनिमल एनिमल बॉडी फॉर्म ऑफ डिफरेंट सेल, जिसमें एनिमल की बॉडी डिफरेंट सेल से फॉर्म होती है। इसमें क्या होता है, सेल्स में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है। ओके, और डिफरेंट टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, जिसमें से ये चार तरीके की होती है, टिश्यू जो होते हैं चार तरीके के होते हैं। पहला है इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू क्या होती है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, सिक्रीशन में भी हेल्प करती है,
एडजॉर्प्शन में भी हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करती है, फिल्ट्रेशन में, डिफ्यूजन में, और सेंसरी रिसेप्टर के रूप में भी हेल्प करती है, सेंस ऑर्गन के रूप में भी ये हेल्प करती है। ये इपिथेलियल टिश्यू लेवल टिश्यू है। इसके बाद आ जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करती है? सपोर्ट, सेल का सपोर्ट करती है, जो सेल्स होते हैं उनका सपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट को, जो न्यूट्रिएंट मटेरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, और वेस्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी भी ट्रांसपोर्ट में मदद करती है। और डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन, पैथोजन के अगेंस्ट में डिफेंडर का वर्क करती है। और ये स्टोर करती है फैट को, और रिपेयरिंग डैमेज, जो जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनके रिपेयरिंग में मदद करती है। कौन? कनेक्टिव टिश्यू। ओके, फिर आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू का क्या वर्क है? मस्कुलर टिश्यू का एक मेन वर्क है कि ये बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है। ओके, जैसे बॉडी एक तरफ से दूसरी तरफ मूव करती है। बट अगर देखा जाए तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी मूवमेंट नहीं पाया जाता है। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू अब्सेंट होती है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू वो होते हैं जो कि नर्व्स किस में मदद करती है? हमारी बॉडी कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेशन, बॉडी में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे। और ये क्या करती है? हमारी मसल्स को स्टिमुलेट करती हैं वर्क के लिए। ओके, और हमें इन्वायरमेंट से अवेयर रखने में भी हेल्प करती है। तो ये हो गए हमारे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में चार हम लोगों ने पढ़ा, कौन कौन सा? इपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, और मस्कुलर और नर्वस। ये इपिथेलियल टिश्यू है जो कि बॉडी में पाया जाता है, नर्वस टिश्यू ब्रेन में पाया जाता है, मस्कुलर टिश्यू भी हमारे मसल्स में पाए जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू वो हमारी मसल्स में कनेक्ट पाए जाते हैं जो कि कनेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, इसका जो एग्जाम्पल है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन का, उसका सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। जैसे हाइड्रा हो गया एग्जाम्पल, एडेंसिया हो गया, और ये हाइड्रा हो गया, ओविलिया हो गया, इसके बाद फिर ये टीनोफोर से है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारी जो बॉडी है वो टिश्यू से किस में चली गई? ऑर्गन पे, एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे वर्क करने लगी है। टिश्यू कोऑर्डिनेट, इसमें टिश्यू कोऑर्डिनेट होकर फॉर्म करता है ऑर्गन, और जो ऑर्गन होता है डिफरेंट फिजिकल फंक्शन शो करता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल इसका प्लेटिहेलमिंथीज फैसियोला, आप देख सकते हैं फैसियोला में ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। ओके, नर्व्स डिफरेंट टाइप में फैली हुई है। ओके, तो इसमें क्या हो गया? ये ऑर्गन ऑर्गन लेवल पे बन गया है, ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन अपना बना लेता है। इसके बाद ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। ऑर्गन मतलब था डिफरेंट ऑर्गन जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट करके एक पर्टिकुलर सिस्टम बनाते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इसमें क्या होती है, बॉडी मल्टी सेलुलर हो जाती है, और जो ऑर्गन होते हैं कोऑर्डिनेट करते हैं और फॉर्म करते हैं सिस्टम, और ईच सिस्टम स्पेशलाइज टू स्पेसिफिक, और एक पर्टिकुलर सिस्टम एक पर्टिकुलर फंक्शन शो करता है। ओके, एक सिस्टम एक फंक्शन पर्टिकुलर शो करता है। जैसे नर्वस सिस्टम हुआ तो हमारे नर्व्स कंट्रोल करता है ब्रेन को न्यूट्रिएंट में सप्लाई करता है, अब मेरी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है, मतलब पूरी तरीके से कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग में हेल्प करता है बॉडी की। रिस्पायरेटरी सिस्टम हुआ, रिस्पिरेशन में मदद करता है, सांस को लेने में, सांस को बाहर निकालने में। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम भोजन के डाइजेशन में मदद करता है, स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट में हेल्प करता है, मस्कुलर सिस्टम क्या करता है हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करता है प्रॉपर, सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को प्यूरिफाई करता है, प्रॉपर सर्कुलेशन में मदद करता है। ओके, इंटेगुमेंट्री सिस्टम हमारा जो स्किन होती है उसी को इंटेगुमेंट्री सिस्टम कहते हैं, ये जो सेंसिटिव होती है कि प्रोटेक्शन का काम करती है। इंडोक्राइन सिस्टम डिफरेंट टाइप के जो सिस्टम होते हैं, जैसे ग्लैंड्स होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो करती हैं, उसी को कहते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। हम इसके बारे में डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब ओबा स्पर्म से मिलता है तो फॉर्म करता है एक न्यू यंग वंस, उसी को कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये किसमें देखने को मिलता है? राउंड वर्म्स में और मैमिलिया में। ओके, तो ये हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल का पिक्चर हुआ है। आप देख सकते हैं ब्रेन हो गया, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ये यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कर रहा है, ये मस्कुलर सिस्टम हो गया, देखने को मिलता है।
यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम था, यहाँ पे ये ब्रेन का नर्वस सिस्टम हो गया, या डाइजेशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके बाद फिर डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव, ओके, इसके बाद इस सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, यहाँ पे किडनी दिखाया गया है एक्सक्रीटरी सिस्टम को, और यहाँ पे इंडोक्राइन सिस्टम दिखाया गया है, प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखाया गया है, ओके, ये ब्रेन का दिखाया गया है, नर्वस सिस्टम, ये सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया गया है, ओके, तो ये हमारे डिफरेंट टाइप के सिस्टम हो गए। तो मिलते हैं हम लोग कल, बॉडी प्लान के आधार पर डिवीजन कैसे होगा उसको पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। और हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।